हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। डबल डेकर बस तो आप सभी ने देखी होगी और कभी ना कभी तो सवारी भी की होगी। बस मैं भी कुछ इसी तरह का डबल डेकर लेकर आ गई हूं, जिसे मैंने अलग अलग स्वादों से सजाया है। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी डबल डेकर, जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। डबल डेकर के लिए बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये बेसन। ये 2 कप बेसन लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ये जो है ना अजवाइन है, लेकिन इसको मैंने हल्का सा क्रश किया हुआ है। और इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच हल्दी, टर्मरिक पाउडर ये भी डाल देते हैं। इसको एक बार विस्क कर लेते हैं ताकि इसमें जितने भी ये लम्ब्स हैं ये टूट जाएं। और इसको धीरे धीरे पानी डालते हुए ना इसको एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेते हैं। पर ध्यान रखना है कि पानी एकदम से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अब इसको पहले अच्छी तरह हम लोग बीट कर लेते हैं, सो दैट ये जो लम्ब्स है ये सारे निकल जाएंगे और ये अच्छी तरह एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दूंगी, सो दैट जितना भी बेसन है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए और एक बार फिर हम इसको बीट कर लेंगे। डबल डेकर की लेयर्स बनाने के लिए मैंने ये ले लिया पनीर यानी कि कॉटेज चीज़, इसे ग्रेट कर लिया है। और ये है ग्रीन चटनी, जो मैंने धनिया और पुदीने से बड़ी ही तीखी चटनी बना ली है। और तीसरा बाउल है खाली। अब क्यों खाली है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस और उतनी ही डाल दूंगी चिली सॉस। तो ये बन गई हमारी रेड कलर की चटनी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें क्या है, तीखा बन भी हो गया और ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे भी तो खाएंगे ना, तो टमाटो सॉस भी डाल दी। इस पनीर में मैं थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ और 1 पिंच ये मैं हल्की सी पेपर डाल रही हूँ, पेपर पाउडर। और इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी क्यों इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। बेसन को जो 10 मिनट हो चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको वापस से मिक्स कर दिया जाए, मतलब विस्क कर दिया जाए। तो डबल डेकर आखिर बनेगा कैसे? मैंने ले लिया ये ब्रेड पीस। आपके पास कोई भी है, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, एनीवन, तो उसके कॉर्नर्स काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, आपको जितनी पसंद है उतनी लगा लें। तो ये लीजिए ग्रीन चटनी मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दी है। अब नंबर आता है इसके ऊपर एक और ब्रेड पीस लगाने का। तो क्या करेंगे, इस पीस पर हल्की सी, इतनी नहीं लगानी है, बिल्कुल लाइट लगानी है क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी लगा दी है, तो हल्की सी चटनी इसके ऊपर जस्ट टच कर देंगे। और इस ब्रेड पीस को इसके ऊपर सेम उसके ऊपर लगा देंगे, हल्का सा फिंगर से टच कर दें सो दैट उसको चिपक जाए। अब आता है ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ पनीर। ये जो पनीर हमने ग्रेट किया था और इसमें मसाले मिक्स किए थे, तो ये वाला पनीर मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। इसको इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। किनारों में भी ध्यान रखिए कि कॉर्नर्स में ये जाना चाहिए, सो दैट जहाँ से भी हम बाइट लें हमें अच्छा टेस्ट आना चाहिए। अब आपने देखा मैंने पनीर में ज़्यादा मसाले क्यों नहीं डाले थे, क्योंकि नीचे चटनी में इतना मसाला है तो इसमें भी डाल देंगे तो मसाला ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है नेक्स्ट पीस का, इसको एज इट इज़ इसके ऊपर लगा के हल्का सा प्रेस कर दें। अब इस पीस के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ रेड चटनी यानी कि चिल्ली और टमाटो सॉस का मिक्सचर, तो ये मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। अब ये जो लास्ट पीस है इसको भी क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर हमने रेड चटनी लगाई है इसके ऊपर भी हल्की सी सॉस लगा देते हैं, इसके ऊपर थोड़ी कम लगाएं। तो ये वाला जो ब्रेड पीस है ये इसके ऊपर ऐसे पलट के रख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो डबल डेकर तैयार हो गया ना,
इसको स्मार्टली मैं करती हूँ साइड में और नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब ये जो बेसन का बैटर बना हुआ है इसमें मैं जो है बेकिंग पाउडर ये 1 pinch ये मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से एक लास्ट टाइम मिक्स कर देते हैं। आपको तो पता ही है ना, जब बेकिंग पाउडर डालते हैं और ये जो हमारा डबल डेकर है कितना क्रिस्पी बनेगा तो खाने का मज़ा भी कुछ और ही होगा। तो चलिए, ये मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्रेड पीस जो मैंने बनाए डबल डेकर के रूप में। ये देखिए पूरा तैयार है। इसको मैं डिप करने जा रही हूँ इस बेसन के अंदर। कढ़ाई में मैंने ऑयल आँच के ऊपर रख दिया है, वो गर्म हो गया है, तो यहाँ से निकाल के सीधा ले जाएंगे इसे कढ़ाई में यानी कि गर्म तेल में। तो डिप जब करने है ना, आपने साइड से पहले कर लेना है ताकि हमारी साइड्स खुल ना जाएं, और थोड़ी फास्ट काम करना है। इसको डिप किया और इसको पलट दिया। बस इसको प्यार से हम ले लेते हैं और सीधा जाते हैं कढ़ाई के पास। ये जाएगा कढ़ाई के अंदर। जैसा कि ये फ्राई हो रहा है, हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल इस ब्रेड हमारे डबल डेकर के ऊपर डालते जाना है ताकि ये ऊपर से भी पकता जाए। और ये जैसे ही नीचे से हमें लगेगा कि पक गया है, इसे प्यार से पलट देंगे। ये देखिए मैंने धीरे से पलट दिया है। ध्यान रखें कि ऑयल में हम पलट रहे हैं, जितना धीरे से पलटेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। डबल डेकर को हम नीचे से भी इसी तरह से पकने देंगे यानी कि कुरकुरा होने देंगे। ये दोनों तरफ से फर्स्ट क्लास ये पक चुका है, हमारा तल चुका है, फ्राई हो चुका है। तो इसे प्यार से मैं प्लेट में निकालती हूँ जहाँ पर मैंने पेपर टॉवल बिछा लिया है, सो दैट इसका एक्स्ट्रा ऑयल पेपर ले लेगा। इसको हम काटेंगे ट्रायंगल में। हाफ काटने के बाद इसको मैं एक ट्रायंगल और काट रही हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसा काटने से कितना मज़ा आएगा, कितना सुंदर दिखने वाला है ये। तो बस ये मैंने काट दिया। ये देखिए आप ऐसे जब देखेंगे इनको, सैंडविच को, तो कितना स्मार्ट लगेगा और खाने का मज़ा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो लीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं।